स्टेडियम के अंदर घुस रहा नगर परिषद की फूटी पाइप का पानी स्टेडियम बना तालाब। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां युवाओं को लगातार खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर जैसी भर्ती देकर युवाओं को सेना में भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी अपनी आंख पर पट्टी बांध कर इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हैं। सतना जिले के अमरपाटन का इकलौता स्टेडियम जहां दिन रात अराजक तत्वों का मेला लगता है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की फूटी पाइपलाइन से निकलने वाला पानी स्टेडियम में ऐसे घुसा कि स्टेडियम पूरी तरह तालाब की भांति भरने लगा। यहां पर संचालित क्रिकेट एकेडमी के बच्चे जो अपना बेहतर भविष्य की कल्पना करने के लिए यहां पर आते हैं और तैयारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर सुबह शाम युवा अपनी तैयारी सेना में जाने के लिए करते हैं। साथ ही नगर के बुजुर्ग भी टहलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन पानी भर जाने के कारण इन युवाओं के सपने पर दाग लग रहा है। लेकिन नगर परिषद अमरपाटन की लापरवाही से भविष्य अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है, जबकि इस स्टेडियम के कायाकल्प के लिए मध्य प्रदेश शासन राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल द्वारा चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था भी कराई गई, साथ में नगर परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि इस मरते हुए स्टेडियम की रक्षा किस कदर होती होगी। देखिए खास रिपोर्ट में संवाददाता विपिन सोनी के साथ। जैसे कि आप देख रहे होंगे इतना पानी भर जाता है ग्राउंड पे, पाइपलाइन फूटी हुई है, तो हम लोग उनको रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो हम महंगी बॉल आती है, कीचड़ पे चली जाती है, किट बैग लाते हैं ऐसे तो गिर जाते हैं आदमी, लाते कपड़े खराब होते हैं, यही सब प्रॉब्लम है। कोई किसी दिन मान लीजिए फिसल के गिरी गया, हाथ पाँव टूट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर परिषद से बोले भी हम लोगों ने, कई बार बोला है उनके कर्मचारियों से, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे घर भी, उससे भी पानी आता है, उन लोगों से भी कई बार बोल चुके लेकिन कोई समस्या सुन नहीं रहा है। देखा है कि यहाँ पे पाइपलाइन फूटी हुई है, उसके कारण पूरे ग्राउंड पे यहाँ पे पानी हो गया है, पूरे ट्रैक पे पानी। हम लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, शूज वगैरह हम लोग के कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम लोग कई बार फिसल भी गए, हमारी पिच भी खराब हो गई, हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, पानी के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पाते। नगर परिषद में हम लोग ने कई बार शिकायत भी की है पर कोई देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे घर वहाँ से भी पानी आता है, पूरे ग्राउंड पे पानी, हम लोग को काफी दिक्कतें होती है प्रैक्टिस करने में।